स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो रॉकेट मंडे में हम बात करेंगे क्या BFR एक्चुअली एक मार्स रॉकेट है। तो आइए देखते हैं। तो रॉकेट के बारे में ये समझ जाएगा, काफ़ी सारे रॉकेट बन रहे हैं आजकल, लेकिन आपको ये बात जानना ज़रूरी है कि कोई भी रॉकेट कहीं पे भी जा सकता है, बस उसका पेलोड साइज़ छोटा हो जाएगा। जब तक आप ऑर्बिट में जा सकते हैं, आप ऑर्बिट के बाद कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन आपका पेलोड साइज़ छोटा हो। जैसे इंडिया ने जो मार्स में रॉकेट भेजा था, वो रॉकेट सिर्फ 1.3 टन, जो कि काफ़ी छोटा है, उसको मार्स तक भेजे थे। ये हम लोग अपना पता ही आपको PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से इस्तेमाल करके भेज चुके हैं। तो पहले के जो रॉकेट थे, जैसे मून रॉकेट जो Saturn V बनाया गया था मून पे जाने के लिए, वो भी आराम से मार्स पे जा सकता है, बस पेलोड साइज छोटा होगा। और वो भी आप बाईपास कर सकते हैं अगर आप बहुत सारे रॉकेट को डॉक कर लें स्पेस में। मतलब जैसे ISS बहुत सारे मॉड्यूल को जोड़ जोड़ के बनाया गया है, वैसे आप मान लीजिए रॉकेट को लिए, दूसरा रॉकेट को लगाया, तीसरा रॉकेट को लगाया, जो स्पेस में आप बार बार उसको फिल करते हैं, आराम से आप जा सकते हैं, बहुत पेलोड के साथ भी जा सकते हैं। तो दो रॉकेट जो अभी मार्केट में है मार्स रॉकेट के नाम से, वो है BFR बिग फाल्कन रॉकेट, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है। और ये रॉकेट बहुत पावरफुल है, बहुत चीज़ है, और रेडी हो जाएगा 5-6 साल में होपफुली। ये इलॉन मस्क का टाइमलाइन है, तो थोड़ा भावना में बह जाते हैं। दूसरा, नासा जब स्पेस शटल की गलती को समझा, जब उसे समझ में आया कि कितनी बुरी तरह से उन्होंने स्क्रू अप किया था, मतलब बहुत ख़राब रॉकेट बनाया था, जो स्पेस शटल था वो 200 से कम मिशन किया और 2 मिशन बर्बाद हो गया, मतलब लोग मरे, मतलब 14 एस्ट्रोनॉट्स वहाँ हो गए। और ये बहुत बड़ा बात है, क्या कि हम लोग मून पे जाके लौट के आ गए और एक को भी लॉस नहीं हुआ, एक भी नहीं मरे, और ये लोग लो अर्थ ऑर्बिट जाने में ही 14 लोग को ऊपर पहुंचा दिया। और रॉकेट सस्ता भी नहीं था, तो ऐसा भी नहीं था कि सस्ते गाड़ी में गए फुट गया, वो उससे महंगा था, Saturn V से महंगा पड़ गया। तो बहुत बुरी तरह से फेल होने के बाद ये लोग अब इसको बना रहे, इसको इसका नाम दिया गया है SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम। ये बेसिकली जो आपका स्पेस शटल था उसी का फ्यूल टैंक है, उसी का इंजन है, बस 3 इंजन की जगह 4 इंजन है, और SRB को बढ़ा कर देंगे ये लोग, ताकि ये और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। तो उसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं, हमारे पास रॉकेट हमेशा से था, मतलब मून मिशन के बाद से तो बहुत आसानी से था, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वी हैव द टेक्नोलॉजी, अगर हम लोग जाना चाहते हैं आज जा सकते हैं। तो आइए आगे ईंधन के बारे में बात करते हैं, फ्यूल अभी लगेगा क्या ये सब जाने में। तो आपको ये समझो, रॉकेट इंजन के बारे में जब भी आप कोई पेज पढ़ते होंगे, विकिपीडिया पढ़ते होंगे, तो उसमें दो चीज़ बताया जाता है, थ्रस्ट और स्पेसिफिक इंपल्स। तो आप ऐसा समझिए, थ्रस्ट हो गया आपका हॉर्स पावर, और स्पेसिफिक इंपल्स हो गया कितना किलोमीटर प्रति लीटर, बेसिकली KMPL, कितना लीटर पे कितना किलोमीटर जाएगा। तो जनरली थ्रस्ट को हम लोग न्यूटन्स में नापते हैं, तो रॉकेट बड़े बड़े रॉकेट में मेगा न्यूटन्स में नापा जाता है। मेगा न्यूटन्स कुछ नहीं है, बस 3 जीरो हटा दिए ताकि नंबर छोटा हो जाए। और स्पेसिफिक इंपल्स जो कि सेकंड्स में नापा जाता है, वो लिटरली आपको लिखा रहेगा 250 स्पेसिफिक इंपल्स, 280, जितना बड़ा नंबर होगा उतना अच्छा होगा, आपको ज़्यादा उससे कुछ सोचना नहीं है, बस ये समझिए दोनों अलग अलग है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक अच्छा मिलेगा तो दूसरा गारंटीड अच्छा मिलेगा, ज़रूरी नहीं है। फिर आपको ये समझना, जो भी चीज़ आपके रॉकेट एग्जॉस्ट से निकल रही है, जो भी इंजन से बाहर निकल रहा है, वो अगर हल्का है, मतलब हल्के गैसेस हैं उसमें, तो ज़्यादा टॉप स्पीड आएगी अगर टेम्परेचर सेम है तो, लेकिन उसकी ये उसकी हॉर्स पावर कम हो जाता है। तो हम लोग अगर हैवी यूज़ करते हैं तो उसका टॉप स्पीड घट जा रहा है लेकिन थ्रस्ट बढ़ जा रहा है। तो इसलिए जनरली अपर स्टेज में जो भी रॉकेट का स्पेस में चलेगा उसको हम लोग हाइड्रोजन रखते हैं, और लोअर स्टेज को जो कि मतलब धरती से ऊपर उठाएगा उसको हम लोग किरोसिन रखते हैं। तो आपको एग्जॉस्ट जो है वो समझ लो, एग्जॉस्ट में निकलता क्या है। तो अभी जो रॉकेट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसमें या तो किरोसिन यूज़ होगा, या तो हाइड्रोजन यूज़ होगा, या मीथेन यूज़ होगा, और लिक्विड ऑक्सीजन एज ए ऑक्सीडाइजर यूज़ किया, मतलब इससे जलाया जाएगा। तो ये दो अभी मेन फोकस में है। तो किरोसिन जलाइए या मीथेन जलाइए या हाइड्रोजन जलाइए, आपको मिलेगा आउटपुट में यही सब चीज़ में से कुछ। तो आपके पास पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, आउटपुट में गैस में हाइड्रोजन निकल रहा है, दूसरा ऑक्सीजन निकल रहा है, तीसरा वाटर वेपर निकल रहा है अगर आप हाइड्रोजन जलाते हैं, या मीथेन भी जलाते हैं तो भी आपको वाटर वेपर मिलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड। ना कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी है लेकिन सबसे ज़्यादा थ्रस्ट है, लेकिन टॉप स्पीड अभी कम हो जाएगा, रॉकेट का किलोमीटर पर सेकंड और लाइक मीटर पर सेकंड बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए इस कार्बन डाइऑक्साइड से सिर्फ पहले स्टेज में यूज़ करना अच्छा बात रहता है, मतलब जिससे आप एक्चुअली रॉकेट को ऊपर ले जाएं। दूसरा ये आता है कि वाटर वेपर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से हल्का है, वाटर वेपर एज इन लाइक H2O CO2 से हल्का होता है, और उसके बाद
आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपका ऑक्सीजन आता है, जो कि जनरली कभी नहीं दिया जाता, कभी ऑक्सीजन नहीं दिया जाता। ऑक्सीजन से जला रहे हैं तो ऑक्सीजन, कभी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नहीं देके ऑक्सीजन निकाल, लेकिन हाइड्रोजन बहुत बार किया जाता है। स्पेस शटल में भी ये होता था कि जब इंजन चल रहा है, जैसे जैसे उनकी एल्टीट्यूड बढ़ती जाती है, जहाँ माइलेज का ज़रूरत ज़्यादा होता है, तो वो लोग हाइड्रोजन को खाली भेजते रहते, मतलब एक पर एक नहीं जला रहे थे। मतलब जैसे मान लीजिए आपको 1 लीटर ऑक्सीजन के साथ आपको 11 लीटर हाइड्रोजन चाहिए पूरा, मतलब 1-to-1 बर्निंग करने के लिए, आप जनरली क्या करते थे, जरूरत से ज़्यादा हाइड्रोजन दे देते थे। वो इसलिए किया जाता था कि हाइड्रोजन जो सीधा सीधा गैस बन के निकलेगा वो टॉप स्पीड ज़्यादा देगा, इसलिए यही बता रहे हैं आपको। ये सबको बैलेंस करना होता है, आपको थ्रस्ट चाहिए या टॉप स्पीड चाहिए, तो आप परफेक्ट नहीं मिल पाएगा आपको कोई चीज़, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और ये सब की स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि किरोसिन, जैसे मान लीजिए अगर आप स्पेस का कोई रॉकेट में इस्तेमाल किए जो 2 साल तक स्पेस में या 3 साल तक स्पेस, क्या वो जम जाएगा? ये बहुत बड़ा रिस्क था इस फाल्कन हैवी के टेस्टिंग में। आप उसके लाइव ब्रॉडकास्ट में सुन सकते हैं कि लोग बोल रहे हैं कि भाई ये हम लोग किए कि बस टेस्ट करना था कि किरोसिन टिका रहेगा कि लिक्विड फेज में कि नहीं, और हो जाता है कभी कभी फ्यूल फ्रीज भी हो जाता है, या उल्टा भी हो सकता है। मान लीजिए आप लिक्विड मीथेन यूज़ कर रहे हैं एलएनजी को रिफाइन करने के बाद, लेकिन मीथेन, एलएनजी में मेनली मीथेन ही होता है, जैसे ये किरोसिन ही है बस फिल्टर करने के बाद RP1 बनता है, वैसे ये एलएनजी भी मीथेन ही है बस फिल्टर करने के बाद रॉ लिक्विड मीथेन मिल जाएगा आपको, तो क्या वो जम जाएगा या क्या वो गर्म हो जाएगा? जैसे मान लीजिए सोलर फ्लेयर हुआ और आपका शिप का शील्डिंग उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, वो गर्म होकर बहुत भाप बन के उड़ गया, आप सेफली निकाल तो सकते हो लेकिन आपका फ्यूल खत्म होते जा रहा है, तो ये सब के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। सिर्फ स्टेबिलिटी मैटर्स करता है, खास करके अगर आप कई साल के बारे में सोच रहे हैं, मतलब कि हाँ 4-5 साल तक चलेगा या 8-9 साल तक का मिशन है, तो आपको सोचना पड़ेगा उसके बारे में। तो जर्नी, चलिए आपने फ्यूल फिगर आउट कर लिया, आपका रॉकेट हो गया, अब जर्नी टाइम के बारे में बात करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं, बहुत टाइम लगने वाला है, 150 से 300 दिन तक लगते हैं ना। अगर आप जितना डिले करते जाएंगे आपका रॉकेट उतना छोटा होते जाएगा, और आप जितना तेज़ी से जाना चाहिए आपका रॉकेट उतना बड़ा होता जाएगा। जैसे हम लोगों ने जब चंद्रयान मिशन किया था वो लगभग 3-4 महीने में पहुंचा था चांद पे, जो सैटर्न 5 बनाया था वो 3 दिन में पहुंचा। तो आप ये समझिए रॉकेट का साइज़ जो है वो आपके टाइम से डिपेंडेंट है, ये और ये है जिसको कहते हैं होम इन ट्रांसफ़र मेथड, ये सबसे सस्ता मेथड है, मतलब रॉकेट के साइज़ के हिसाब से सबसे कम फ्यूल पे सबसे ज़्यादा देता है। तो आप जितना स्लो जाएंगे आपका फ्यूल का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, लेकिन सेफ्टी के लिए हम लोग चाहते हैं कि जितना तेज़ी से हो सके जा सके। तो टारगेट है इंसान के लिए 150 दिन, मतलब जीरो ग्रेविटी हमारे लिए बहुत खतरनाक चीज़ है, आगे मैं इसके बारे में बात करूंगा। लेकिन बेसिकली आप ये समझिए आप जीरो ग्रेविटी 1-2 दिन के लिए ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा आपके लिए नुकसान हो जाएगा। और सोलर पावर, जैसे मान लीजिए ये BFR के वीडियो में लिखाया गया कि BFR है, सोलर पैनल है, आपको ये समझना पड़ेगा सोलर पैनल स्पेस में भी, जैसे मान लीजिए 200 किलोवाट का है, जैसे या मान लीजिए इसको 300 किलोवाट का है, तो अगर मार्स तक गया, मार्स के स्पेस में ही है, मार्स में लैंड नहीं किया, मार्स के स्पेस में ही है, ये सिर्फ 100 किलोवाट देगा, मतलब इसका पावर 1/3 ड्रॉप कर जाता है। वो इसलिए कि सन इतना दूर हो गया है कि सन की लाइट कम होती जा रही है, जैसे बाकी सब स्टार देखते तो आपको तो सिर्फ एक पॉइंट दिख रहा है, लेकिन उसके पास ये है तो भरपूर सितारे। तो इस रीज़न से आपको ये समझना है सोलर पावर ऐसा नहीं है कि हाँ आप पैनल बना दिए 500, मान लीजिए 5 मेगावाट का, आपका 5 मेगावाट हर जगह मिलता रहेगा, ज़रूरी नहीं है, वो जब आप दूर जाते हैं घटता जाएगा पावर। उसके बाद ये समझना होगा कि ये प्लैनेट पोजिशन बेस्ड है, मतलब आप हर टाइम, जैसे मान लीजिए आज मन हो गया आज जाना है, मान लीजिए आप तैयार भी हैं 150 दिन रुकने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आज जाना है तो जाएंगे। ये होम इन ट्रांसफ़र का जो ऑर्बिट है ये कुछ कुछ हर 2 साल पे आता है, और ये आप उसी टाइम लॉन्च कर सकते हैं तभी आपको इसकी प्रॉफिट मिलेगी। नहीं कर, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते, लेकिन टाइम लंबा हो जाएगा अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं किए। तो ऐसा इसके बारे में बहुत सोचना पड़ेगा आपको कि किस टाइम लॉन्च विंडो, जिसको लॉन्च विंडो हम लोग कहते हैं, वो कब है, और कोई यूटर्न नहीं है, मतलब बीच रास्ते में कुछ भी हो जाए आप वापस नहीं आ सकते, यूटर्न करना बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है, और बहुत फ्यूल बर्बाद हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा, और मतलब अच्छा बात नहीं है, आप यूटर्न ले भी नहीं सकते ठीक से। तो चलो आपने जर्नी टाइम कर लिया, आपने फ्यूल भी कर लिया, रॉकेट भी हो गया, तो अब करोगे क्या मार्स में? मार्स में एक्चुअली आप करोगे, सबसे पहला काम, सबसे क्रूशल है कि आपके पास ताकत होना चाहिए, आपके पास ऊर्जा होनी चाहिए, आपके पास बिजली चाहिए। अगर हमारे पास एनर्जी है आप कहीं पर भी रह सकते हैं, कहीं पर भी इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी रहने के लिए आपको बस ऊर्जा ही चाहिए। तो पावर कहाँ से आएगा? तो सब लोग पहले सोचते थे कि सोलर पैनल यूज़ करेंगे, तो जितने जैसे जैसे मार्स पे मिशन भेजते गए हम लोग को पता चल गया सोलर पैनल से काम नहीं होगा। पहला तो उसका पावर सीधा कम हो जाता है, आप वहाँ से 100 वाट का भेज रहे हैं बेचारे, यहाँ जाके 30-35 वाट का बन जा रहा है, तो
सोलर पैनल तो सीधे हटाना पड़ा। तो अभी का जो ऑप्शन है, जैसे अभी के रोवर जो क्यूरियोसिटी सबसे बड़ा है, उसमें ये इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम लोग RTG कहते हैं। RTG का मतलब सीधा बस ये है कि वो प्लूटोनियम है, वो डिके कर रहा है, रेडियो एक्टिव गर्मी छोड़ रहा है, वो गर्मी से एक पल्टियर इफेक्ट चलाया जा रहा है। बस वो पल्टियर इफेक्ट बिजली बनाता है टेम्परेचर ग्रेडियंट से, मतलब अगर एक साइड ठंडा है एक साइड गर्मी है तो वो बिजली बनाएगा, उससे बहुत नहीं बनाता है लेकिन काम कर लेता है। ये सब बेयरली 70 से 100 वाट तक के आते हैं, और तो लेकिन उससे पावर आ जा रहा है और 30-40 साल तक चलता है। ये समझ लीजिए आपका बैटरी है जो 30-40 साल तक चलेगा, आपको कुछ सोचना नहीं है। लेकिन इससे ठीक है आपका पावर आ जाए, आपने मान लिया कम्युनिकेशन या कोई बहुत क्रिटिकल लोड है उसके लिए आप रख दिया इसको, लेकिन आपका ऐसे बहुत पावर नहीं आ रहा। तो बहुत पावर के लिए हम लोग सीधा न्यूक्लियर रिएक्टर भेजने वाले हैं मार्स में, और नासा इस पर काम कर रही है। तो ये रिएक्टर्स का काम ये है कि जैसे हम लोग यूरेनियम का इस्तेमाल करके, जब यूरेनियम को फ्यूज़ करते, ये डिके है, यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, मतलब फिजन हो रहा है, तो फ्यूजन का इस्तेमाल करके इससे हम लोग स्टर्लिन इंजन को चलाते हैं। जो गर्मी निकलती है उससे एक स्टर्लिन इंजन चलता है। स्टर्लिन इंजन में कोई स्टीम का जनरेट नहीं होता, वो भी पेल्टियर इफेक्ट जैसा ही, लेकिन एक फिजिकल चीज़ अप डाउन होती है। तो उससे ये लोग एसी करंट निकालते हैं और एसी करंट को इन्वर्टर में डाल के स्मूथ आउट करके आपको दे देंगे। तो ये सब छोटे रिएक्टर है, मतलब ऐसा नहीं कि मेगावाट में पावर है, ये 1 किलोवाट से 10 किलोवाट तक का रखेंगे। तो ये इनका करंट टारगेट ये है कि भैया एक हैबिटेट के लिए, मतलब 4-5 लोगों के लिए एक दो होना चाहिए, मतलब एक से काम चल जाएगा, दो रखेंगे सेफ्टी के लिए। तो सबसे पहला पावर चाहिए, तो न्यूक्लियर के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, सोलर इस्तेमाल कर सकते हैं, जब बहुत दिन से रहते हैं वहाँ, जब मान लीजिए एकदम पूरा भरपूश न्यूक्लियर हो गया कि मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ पे आपका पावर नहीं खत्म होगा, और RTG ये है जो बैकअप पे है कि अगर ये खराब हो गया तो भी है कुछ बैकअप, तब हम लोग सोलर यूज़ करेंगे। सोलर में सबसे बड़ा ये रिस्क है, रात को तो आएगा नहीं। और आप मान लीजिए आप सोलर पैनल बहुत हल्का बना लिए, एकदम पतला, एकदम हल्का, छोटा भी बना लिए, सही है, बहुत बढ़िया है, लेकिन उसको एनर्जी को आपको इतना ओवरसाइज करना पड़ेगा कि वो भारी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मतलब आपको बहुत डालना पड़ेगा, क्योंकि 3 गुना कम है। तो ठीक है, आपने 3 गुना ज़्यादा डाल दिया, अब उसके बाद आपको उस ऊर्जा को, जो बिजली आ रही है, उसको बैटरी में स्टोर करना पड़ेगा, और कई मेगावाट का स्टोरेज का चाहिए आपको, क्योंकि रात भर नहीं आने वाला। और प्लस कभी कभी ऐसा होता है मार्स पे, ये बहुत खतरनाक बात है मार्स पे, कि मार्स पे कभी कभी डस्ट स्टॉर्म आते हैं जो 1-2 महीने तक रहते हैं, और वो डस्ट स्टॉर्म पूरा प्लैनेट कवर कर देता है। मतलब आपको लगेगा आप रात में हो, मतलब सीधा सीधा रात में हो, और वो दिन भर नहीं रहता है, मतलब वो 1-2 महीने तक ऐसा रह जाता है। तो अभी ये हुआ अपॉर्चुनिटी के साथ, क्योंकि वो सोलर बेस्ड था, तो जब ये डस्ट स्टॉर्म आया तो बंद हो गया, तो 90% चांस है कि वो मर ही चुका है, लेकिन क्यूरियोसिटी आराम से काम कर सकते, उसका पावर इंटरनल है। तो सोलर इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत बाद में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी नहीं कर सकते। फिर आपको फ्यूल बनाना है, उसके लिए तो भी तो बिजली चाहिए आप, क्योंकि लॉन्च विंडो है, ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम आ रहा है, अपना आराम से बनाएंगे, नहीं नहीं नहीं, वो आपको चाहिए, आपको 2 साल से पहले उसका कंप्लीशन हो जाना चाहिए, आपको जितना पूरा रॉकेट है पूरा फ्यूल होकर रेडी हो जाना चाहिए। नहीं हुआ तो मिस कर गया तो आपको फिर 2 साल रुकना पड़ेगा। फिर हैबिटेट, अब रहोगे कहाँ, मतलब ये सब तो ठीक है, रहोगे कहाँ, रॉकेट में मतलब कुछ ही दिन रह पाओगे, तो मतलब रहने के लिए हैबिटेट बनाया जाएगा। हैबिटेट को जनरली अंडरग्राउंड बनाना है, क्योंकि इस प्लैनेट पे एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब जो है बहुत थिन है, उसके चलते इसमें बहुत रेडिएशन आ जाता है, सोलर रेडिएशन प्लस कॉस्मिक रेडिएशन आता है, जो कि मतलब पार्टिकल्स होते हैं दूसरे स्टार से आते हैं, मतलब हमारे अर्थ पे इसलिए नहीं आते कि हमारे अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर है, और जो उसको क्रॉस कर देते हैं, मैग्नेटोस्फीयर के थ्रू निकल जाते हैं, वो हमारा एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एटमॉस्फेयर प्लस मैग्नेटिक शील्ड से हम लोग बड़ा सेफ है, वहाँ पे कुछ नहीं है, ना तो एटमॉस्फेयर है ना तो मैग्नेटिक शील्ड है। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास कि आप इसको जमीन के अंदर गाड़िए, जितना नीचे गाड़िएगा उतना बढ़िया है, 1-2 मीटर से नीचे चले गए बस शांति। तो ये हम मार्स पे करेंगे। तो क्या हम लोग एक्चुअली जा रहे हैं? अभी नहीं, सीधा सीधा अभी नहीं, अभी हमारा प्रायोरिटी नहीं है। किसी भी देश का, किसी भी जिनके पास पैसा है, उनका प्रायोरिटी नहीं है मार्स पे जाना। मैं आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नील डग्रास टाइसन को जानते हो, और नहीं भी जानते हो तो बताइए, नील डग्रास टाइसन के बारे में आप सर्च कीजिए। ये इसने बहुत अच्छा सा वीडियो बनाया था जिसमें आपको समझ में आएगा कि मून पे हम लोग गए क्यों थे, चांद पे एक्चुअली गए क्यों थे। एक्चुअली वो सिर्फ लड़ाई झगड़ा के चलते गए थे कि सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रहा था, दोनों जानते थे कि दोनों न्यूक्लियर बम बनाए जा रहे हैं, कि और दोनों लड़ने आए तो प्लैनेट ही नहीं बचेगा। तो दिखाना था कि मतलब कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, दिखाने के लिए स्पेस रेस में आ गया कि भैया यहाँ दिखाते हैं, क्योंकि दोनों को पता है भैया एक ही प्लैनेट है, अगर प्लैनेट गया तो दोनों ख़त्म हो जाएंगे। तो उस कारण से ये हिसाब बना कि मून रेस स्टार्ट कर दिया गया। तो ऐसा नहीं कि हम लोग मून पे गए साइंस के चलते, हम लोग मून पे गए क्योंकि वॉर में थे, और वॉर के टाइम में आपको ये समझना होगा कि हम लोग डेथ को हैंडल कर सकते हैं। मतलब आप लड़ाई जंग हो रहा है, जंग फसाद हो रही है, तो आप हैंडल कर सकते हो कि 10 लोग मरे, 20 लोग मरे,
लेकिन आपके पास ऐसा नहीं कर सकते कि आप लाइव स्ट्रीम कर दो डेथ को। ये हुआ था वियतनाम में, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ डेथ। मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि अमेरिका वियतनाम से हार गया, वियतनाम से हारा नहीं। सोचो तो कुछ तो सोचो, अमेरिका जैसी कंट्री हार नहीं जाएगी वियतनाम से। उन्होंने पुल बैक कर लिया। वो इसलिए हुआ, कलर टीवी उसी टाइम मार्केट में आया था और बहुत सारे जर्नलिस्ट को सीधे अलाउ था बैटल फ्रंट पे जाने का। मतलब लड़ने वो नहीं जा रहे थे, लेकिन मतलब कैंप यहाँ है, लड़ाई यहाँ हो रही है, यहाँ तक जर्नलिस्ट पहुँच गए थे। तो जब पहली बार मतलब कलर टीवी में आप खून देख रहे हो पहली बार, और प्लस आप देख रहे हो कि इतने सारे लोग गए हैं, इतने सारे लोग मर रहे हैं। मतलब सुनना अलग बात होता है, ये सुनना कि अरे वर्ल्ड वार में, वर्ल्ड वार टू में इतने लोग मरे, देख लेना आपके टीवी में देख लेना अलग चीज़ होता है। इसीलिए उनका मतलब हिपस्टर मूवमेंट उसी के बाद आया, कि मतलब गाने लिखे गए कि आप अपने बच्चे को पहले बुला लीजिए इसके पहले कि वो बॉडी बैग में वापस आए। तो आप ये समझिए कि अमेरिका हारा नहीं था, वो वापस कर लिया था। और इसी के लिए इराक वॉर में जब गया तब मीडिया को सीधे ब्लॉक कर दिया, आराम से अपना वहाँ लड़ाई झगड़ा किया, आराम से ठोक ठाक दिया, और उसके बाद बाद में मीडिया को बुलाया। तो रिस्क जो है, और क्या कोई अमीर आदमी खुद से कर सकता? नहीं, किसी के पास इतना पैसा नहीं है। जेफ बेसोस के पास भी इतना पैसा नहीं है। और स्पेस एक्स आप बोलोगे अरे स्पेस एक्स तो प्राइवेट कंपनी है, बात सही है, लेकिन वो उसका कॉन्ट्रैक्ट नासा पे है। पैसा तो उसको नासा से ही मिल रहा है। उसका फाल्कन 9 जो बना है, जो इतना सक्सेसफुल हुआ है, उसमें नासा के पैसा लगा है, बहुत करोड़ों। ऐसा नहीं कि नासा 10 रुपया दिया इसको, करोड़ों करोड़ दिए गए हैं कि भैया तुम अपना रॉकेट बनाओ हमारा कमर्शियल रीसप्लाई मिशन के लिए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी के पास अकेले इतना पैसा नहीं है कि वो जा सके। क्या चाइना इंडिया मिलके भेज सकते हैं? शायद चाइना अकेले भेज सकता है, क्योंकि चाइना मतलब उनका इकोनॉमी बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है और उनके पास पॉलिटिक्स का झंझट नहीं है। पॉलिटिक्स ना होने के चलते वो बहुत तेज़ी से आगे जा रहे हैं, तो शायद चले जाएं। और एक दो मिशन तो होगा ही, वो BFR एक दो बार तो भेजा जाएगा ही टेस्टिंग के लिए, लेकिन क्या इंसानी मिशन होगा? नहीं, क्योंकि अभी जो है नासा का अभी ताज़ा टारगेट है वो ये बनाना है। ये है समझ लीजिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, लेकिन चांद पर रहेगा। और ये इसलिए किया जा रहा है कि हम लोग को पता चल गया जीरो ग्रेविटी से क्या होता है, मतलब जीरो ग्रेविटी इंसान के लिए कितनी खतरनाक है। लेकिन चांद पे जाने के बाद पता चलेगा कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जब आ जाएंगे तब पता चलेगा कि रेडिएशन से कैसा डैमेज होता है। बिना उसके आपको पता नहीं चलेगा, मतलब तुक्का मार सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जाकर टेस्ट तो करना पड़ेगा। तो यही है, अभी ना हमारे पास ना किसी का ये प्रायोरिटी है, ना किसी को जाने का रीज़न है। और हम लोग अब इतने मतलब सेंसिटिव हो गए कि मतलब एक दो लोगों का मरते हुए देख लिए लाइफ हालत ख़राब हो जाएगा। तो जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया कि अमेरिका हारता नहीं है, अमेरिका इतनी बड़ी कंट्री नहीं हारेगी। उनके पास था, ऐसा नहीं था कि सोल्जर खूब मर गए थे, आराम से भरपुष्ट जीत जाते, लेकिन लोग तिलमिला गए। तो इसी कारण से बहुत सारे रिस्क को देख के हमको नहीं लगता कि अभी होने वाला है। हो सकता है हम लोग कर तो उस टाइम भी कर सकते थे, मून मिशन में भी कर सकते थे, लेकिन अभी नहीं होने वाला। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन मार्स रॉकेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट लिखिए। और क्या देखना चाहेंगे आप अगले एपिसोड रॉकेट मंडे में, और सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, मैं वीडियो हर दिन बनाता हूँ। आपने मेरा वीडियो देखा ये जान के मुझे बहुत खुशी है। धन्यवाद।